दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे कैसे अपने मोबाइल को इस्तेमाल करके मेल किया जाता है, किसी के पास कैसे मेल भेजा जाता है। जैसे कि कोई कंपनी में हमें जॉब के लिए अप्लाई करना आता है तो वहाँ पे हमसे मांगा जाता है मेल करके जो भी हमारा क्वालिफिकेशन है, CV है, जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है वो हमसे मांगा जाता है मेल के द्वारा, मेल करके हमें सेंड कर देना है वेरीफाई करने के लिए। तो उसको कैसे मेल करके कैसे अपना जो भी फ़ोटो डॉक्यूमेंट, जो भी क्वालिफिकेशन, जो भी हमारा है CV है, रिज्यूम है, उसको कैसे मेल द्वारा भेजा जाता है, तो आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलते हैं, जान लेते हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले न्यू अपडेट पाने के लिए। तो सबसे पहले अपना जो भी मोबाइल है उसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद अपने मोबाइल में जीमेल का एप्लीकेशन तो होबे करेगा आपका मोबाइल में, तो जीमेल का एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद मेल भेजने के लिए सबसे पहले ये ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ देख सकते हैं राइट साइड में एक प्लस का आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर में दिखाएगा, देख सकते हैं कंपोज, उसके नीचे में दिखाएगा, देख सकते हैं फ्रॉम, जो भी आपका मोबाइल में जीमेल आईडी जो भी आपका होगा वो यहाँ पर शो करेगा सबसे ऊपर में। और टू में आपको डालना है जिसके पास आप मेल भेजना चाहते हैं उसका जीमेल आईडी यहाँ पर डालना है मेल आईडी। तो मैं अपना चलिए डाल देता हूँ फटाफट। तो मैंने अपना डाल दिया, देख सकते हैं यहाँ पे उस बंदे का मैं जीमेल आईडी डाल दिया मेल आईडी। और उसके बाद सब्जेक्ट में आपको डालना है जैसे कि जिसके लिए आप मेल भेजना चाहते हैं, जैसे कि मैं जॉब के लिए, तो यहाँ पे 4 जॉब लिख दिया। तो यहाँ पे अपना जो भी है उसके लिए सब्जेक्ट में यहाँ डाल देंगे, तो मैं जॉब लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे कंपोज में आपको लिखना है, कंपोज मेल में जो भी चीज़ उसको लिखना चाहते हैं, उस बंदे को एडवाइस देना चाहते हैं, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए मैं लिख देता हूँ, जो भी आप जितना भी लिखना चाहते हैं यहाँ पे कंपोज मेल में लिख देंगे। तो आप जो भी इसमें लिखना चाहते हैं लिख लेंगे। उसके बाद लिखने के बाद यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा, देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे 2 ऑप्शन आ जाएगा, अटैच फाइल और यहाँ इंसर्ट फ्रॉम ड्राइव। तो अगर आपका कोई भी फाइल ड्राइव में है, गूगल ड्राइव में है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब अगर आपका मोबाइल में कोई फाइल है तो यहाँ पर अटैच फाइल पर क्लिक करेंगे। और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी फाइल है ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लेफ्ट साइड में देख सकते हैं 3 लाइन दिखे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी फाइल यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी है ओपन करके जो भी भेजना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए मैं एग्जांपल के लिए कोई भी एक ले लेता हूँ, तो मैं इसको रहने देता हूँ। इस पर क्लिक कर लेंगे, इस पर जितने भी फाइल इसमें चाहिए ना सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर शो करेगा, देख सकते हैं, और शो करेगा यहाँ पे। और अपना जो भी है वेरीफाई कर लेंगे, दोबारा से यहाँ देख लेंगे अपना मेल, उसका मेल देख सकते हैं, उसका मेल नंबर तो गलत तो नहीं है। उसके बाद नीचे भी सारा चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं छोटा सा एक आइकन दिख रहा है एरो का, इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे क्लिक करेंगे देख सकते हैं सेंडिंग लिख दिया, तो सेंडिंग हो रहा है, तो ऐसे करके सेंड कर सकते हैं। और ये मेल चला गया, सेंड हो गया, कैसे चेक करना है तो उसके लिए देख सकते हैं यहाँ पर 3 लाइनें दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा यहाँ सेंड, सेंड का देखने को मिलेगा। सेंड पर क्लिक करके जो भी मेल भेजेंगे इसमें आपको मिल जाएगा, तो ऐसे करके आप भेज पाएंगे। तो जो भी मेल आप भेजे हुए हैं सारा डिटेल जानने के लिए सेंड, सेंड पर क्लिक करेंगे इसमें, तो सारा मेल आपको दिख जाएगा। तो ऐसे करके आप मेल भेज पाएंगे, कहीं पर भी भेज पाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।